Question number 1.2. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 newton. A part is, what is the distance between the two spheres? B part is, what is the net force on the second sphere due to the first? क्वेश्चन में कहा गया है यदि फर्स्ट स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है और सेकंड स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है दोनों स्फीयर यदि एयर में पड़े हैं तो फर्स्ट स्फीयर के ऊपर सेकंड वाले की वजह से 0.2 न्यूटन फोर्स लगता है ए पार्ट में यह पूछा गया है कि दोनों स्फीयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा और बी पार्ट में यह पूछा गया है कि सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स लगेगा सॉल्यूशन देखेंगे हमें गिवन है फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर 0.2 न्यूटन फर्स्ट स्फीयर के ऊपर चार्ज Q1 हमें गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम को हम माइक्रो हटाने के लिए 10⁻⁶ कूलम भी लिख सकते हैं मींस हमारे पास आ जाएगा 0.4 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 0.4 into 10⁶ कूलम सिमिलरली दूसरे स्फीयर के ऊपर चार्ज भी दे रखा है Q2 दैट इज -0.8 माइक्रोकूलम जो कि इक्वल टू होगा -0.8 into 10⁻⁶ कूलम दोनों स्फीयर के बीच में हमें पता है दो चार्ज के बीच में फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 / r². मैं इस बता दूं कि इसी 1/4πε0 को हम K भी बोलते हैं K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर होती है अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके आर स्क्वेयर को ऊपर ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एफ को नीचे ले आऊं तो हम क्या देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 / f। अब आप देखें इस पूरे 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9×10⁹ ये हमने पुट करी फर्स्ट चार्ज पुट किया Q1 0.4×10⁻⁶ कूलम सिमिलरली सेकंड चार्ज पुट किया आप देखें यहां पे चार्ज का साइन पुट नहीं करना क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हमने जो फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें बस यह लिखना होता है फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव क्योंकि ये एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम लास्ट में ये लिख देते रख सकते हैं कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव लेकिन हमें साइन यूज नहीं करने होते क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए चार्ज के हमने मैग्नीट्यूड लिखा 0.8×10⁻⁶ डिवाइड बाय इस F की वैल्यू गिवन थी 0.2 न्यूटन ये 0.2 हमने पुट किया इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 144×10⁴ मीटर यह हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू आई है अगर R की वैल्यू निकालना हो तो हमें यहां पर रूट लेना पड़ेगा ये स्क्वायर हटाने के लिए तो इसका रूट लेंगे तो 144 का रूट तो होता है 12 10⁻⁴ का रूट होता है 10⁻²। इनको हम आगे लिख सकते हैं 0.12 मीटर यही अपना आंसर होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स इज 0.12 मीटर अब दूसरे क्वेश्चन की इसके बी पार्ट की बात करें उसमें कहा गया था कि सेकंड स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा फर्स्ट की वजह से तो हम देखते हैं ये जो फोर्स का फार्मूला होता है ये फार्मूला दोनों ही स्फीयर्स के बीच में फोर्स का होता है मींस एक दूसरे पे लगाता है और दूसरा पहले पे लगाता है इसीलिए हम कहेंगे सेम फोर्स होगा बी का आंसर एक बार पढ़ें बोथ द स्फीयर्स attract each other with the same force. Therefore, the force on the second sphere due to first is 0.2 newton. Thank you very much.